इंदौर के कनाड़िया थाना क्षेत्र में भारत बैंक में काम करने वाले सिक्योरिटी गार्ड 12 बोर की बंदूक और टेलीफोन लूट कर फरार हो गए। 5 बदमाशों पर शिकायत में पुलिस ने प्रकरण दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। मामला देर रात कनाड़िया थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। यहाँ न्यू गौरी नगर में रहने वाले सिक्योरिटी गार्ड कैलाश रावत घर से काम के लिए कनाड़िया स्थित भारत बैंक में ड्यूटी के लिए जा रहा था। इसी दौरान 5 अज्ञात बदमाशों ने कैलाश को रोककर मारपीट की और उसके पास रखी 12 बोर की बंदूक और मोबाइल फोन सहित अन्य सामान लूटकर फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद तत्काल पुलिस ने अज्ञात बदमाशों के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। वो बंदूक छुपाली मेरे से पांच जने थे और साइकिल से जा रहे थे, गिरा दिया मेरे को। गार्ड की नौकरी भारत बैंक, भारत बेंच के यार्ड में जो गाड़ियाँ रखी रहती है। अच्छा, तो आज कहाँ जा रहा था? वही ड्यूटी जा रहा था। कितने बजे जा रहा था? 9:30 बजे। फिर क्या हुआ? फिर बंदूक और मेरे मोबाइल ले लिया और कागज पत्थर रखे थे पन्नी में वो ले गए। अच्छा, कितने लोग थे? 5 जने। बाइक थी, बाइक थी। क्या क्या लेगा आपसे? मोबाइल और बंदूक। बंदूक कौन सी थी? 12 वो। लाइसेंस भी आपकी? हाँ। आपका नाम कैलाश? मैं मेलकलमा, मेलकलमा वैसा गौरी नगर रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ। कितना टाइम हो गया आपको नौकरी करते करते? यहाँ तो 2-3 महीने। हाँ, कैलाश एक रावत फरियादी है, वो थाने पे एक बंदूक छीन के संबंध में घटना लेकर आया है। उसकी रिपोर्ट दर्ज की गई है और अज्ञात 5 लोग हैं जो मोटरसाइकिल पर आए थे, उनकी कार्रवाई की जा रही है। मारपीट या किस तरह की? मारपीट या 2-3 थप्पड़ मारे, डराए धमकाए उसको। सर, ये क्या करता है गार्ड की जानकारी? गार्ड वो सिक्योरिटी गार्ड नौकरी करता है भारत बैंक में, गार्ड की नौकरी करता है।